और अखिलेश यादव सरकार फिलहाल अपने चार साल पूरे होने का जश्न मना रही है, भले ही विपक्ष उनको घेरे, लेकिन अखिलेश यादव इसके एक सकारात्मक पहलू को जनता के सामने रखना चाहते हैं और जो भी काम उन्होंने किए हैं इन चार साल के दौरान में, उन कामों को जनता के बीच ले जा रही है अखिलेश सरकार, और इसी के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संजय राजन इस पर जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजय, कैसे मनाया जा रहा है चार साल पूरे होने का जश्न? देखिए, जहां तक बात की जाए, सरकार चार साल का कार्यकाल आज पूरा कर रही है और पूरे प्रदेश भर में सरकार की ओर से समाजवादी दिवस का आयोजन तहसील और जिला मुख्यालयों पर किया गया है। इसमें सारे पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, स्थानीय मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर सांसद हैं, वो इस समाजवादी दिवस में पूरे प्रदेश भर में शिरकत कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारियां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले से ही तय कर दी हैं। रही बात मुख्य कार्यक्रम की, तो यहां 11:30 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ऊर्जा विभाग की 3,712 करोड़ की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके सीएम अखिलेश यादव एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 11:30 बजे का है। जहां तक बात की जाए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के सामने कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन विकास के मामले में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अखिलेश सरकार ने निश्चित तौर पर बड़े कदम उठाए हैं, जिसका दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। चाहे वो नई औद्योगिक नीति और पूंजी निवेश नीति की वजह से 25,000 करोड़ के पूंजी निवेश की बात की जाए सूबे में, करीब 80,000 करोड़ की योजनाएं जो है वो पाइपलाइन में है पूंजी निवेश की, तो ये सब तमाम उपलब्धियां हैं। इनसे आज अखिलेश यादव एक बार फिर आम जनता को रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी साल है, विरोधी दलों का हमला लगातार तेज हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने क्या कुछ बेहतर किया है। समाजवादी पेंशन की बात करें, 102-108 एम्बुलेंस सेवा की बात करें, 1090 महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन की बात करें, यह तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं हैं। मेट्रो की बात की जाए या फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर मंच से इन योजनाओं का जिक्र करते हैं और हमें लगता है कि आज चार साल का जब आकलन खुद मुख्यमंत्री अपने सरकार की करेंगे तो इन योजनाओं का निश्चित तौर पर जिक्र करेंगे। जाहिर सी बात है, सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, एक बिजली संकट की और दूसरा कानून व्यवस्था की। आज बिजली को लेकर के जिन योजनाओं का वो लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये उसकी आधारशिला है जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अक्टूबर माह से गांवों को 16 घंटे, तहसील को 18 घंटे और जिला मुख्यालय को 20 से 22 घंटे और महानगरों को 24 घंटे बिजली देंगे। 8 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनको आज से 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का भी सीएम ऐलान करने वाले हैं, जिनमें सारनाथ की बात कर ली जाए या बाराबंकी के देवा शरीफ की बात कर ली जाए, मथुरा वृंदावन की बात कर ली जाए या फिर दरगाह नजीबाबाद की बात की जाए। ये तमाम ऐसे 8 तीर्थ स्थल हैं जिनको 24 घंटे बिजली की आपूर्ति भी आज से सरकार के काम है जो सरकार जनता के सामने रखेगी, लेकिन विपक्ष जाहिर सी बात है वो कमियां ढूंढेगा तो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगा और तमाम तरह की यहां पर जो उनके नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाएगा। तो यहां पर अब देखना होगा, क्योंकि उधर बीएसपी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही, समाजवादी पार्टी भी, शाम होते होते किस तरह से एक दूसरे पर वार यहां होते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए।